नमूना है। 28 मार्च 2018 और बुधवार का दिन। क्या आप कारोबार में कर्जे को लेकर परेशान हैं? या फिर प्रयासों के बावजूद धन का अपव्यय नहीं रुक पा रहा है? कारोबार में हानि हो रही है, कारोबार में अनावश्यक रूप से वाद और विवाद और कोर्ट कचहरी दुर्घटना का डर हमेशा रहता है, कार्य में सफलता नहीं मिली, अनावश्यक रूप से विघ्न और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सुन देना मन बड़ा परेशान है या फिर मोटा हुआ आप पर हावी। इंसान कौन परेशानियों का समाधान लेकर मैं आ रहा हूं आज गुरु मंत्र में। ये हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को हृदय से दाती महाराज करना होगा। कैसे हैं आप सभी मित्र? आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और आपके जीवन इतना हरियाली और खुशहाली रहे। चलिए भगवान की चरणों में मेरी प्रार्थना आपका हूं और आपके लिए आया हूं। और मेरा हमेशा आपसे निवेदन है कि व्यर्थ का भय, व्यर्थ का भ्रम और भ्रांतियां न पाले। संकेत लेके आ रहा हूं, साथ में सुझाव भी है, सलाह भी है। गुरुमंत्र का पहला उपाय, मित्रों ने कहा दाती महाराज परिश्रम प्रयत्न मेहनत सब कुछ करने के बावजूद भी कारोबार में कर्जे से परेशान, कर जाते अच्छा हो जाता है बुरा, और कारोबार में अनावश्यक रूप से कोर्ट कचहरी के मसले परेशान कर रहे और उससे हमारा कारोबार घाटे में जा रहा है, हम करें तो क्या? किसी महीने के प्रथम शनिवार के लिए उपाय प्रारंभ करें और नियमित रूप से पूरे वर्ष भर करें, हर शनिवार को हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत वटवृक्ष के पेड़ की जड़ में दूध और चीनी मिलाकर मिट्टी के पास में थोड़ा सा दूध लीजिए, चीनी मिला लीजिए, हर रोज 100 ग्राम चीनी सफेद कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में चिट्ठा रख जाए, तदनुसार गरीब और आंखों से दिव्यांग व्यक्ति को काले गुलाब जामुन का प्रसाद बांटी, बड़ा लाभ मिलेगा और कष्टों से छुटकारा मिली, अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया। मैं बात करते बुधवार की पंचांग चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी विक्रम शुल्क बहुत ज्यादा पसंद, बुधवार का पटकाली नक्षत्र असलेशा नाम से चंद्रमा का रखा है। मैं बात उनकी करता हूँ जिनका आज जन्मदिन है, फिर शादी की साल 28 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की साल करें तो दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामना, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, चलिए भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 28 मार्च आपका जन्मदिन है और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना, एक कार्य में सफलता नहीं, कार्य में बिना वजह उठा पटक रहती है, कैरियर को लेकर आप परेशान हैं, नौकरी में उठा पटक है, कारोबार में सफलता नहीं मिली, परिवार का साथ नहीं मिल रहा, संतान सुख नहीं है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता, कुछ बातें ही जिनके ध्यान एक हमेशा टकराव की नीति से बचना चाहिए, जोर तोड़ की राजनीति हमेशा नुकसान देगी, और जब कभी भी किसी नए काम के लिए घर से निकले तो गुड़ का सेवन कर पानी पीकर बाहर निकले, सफलता आदि। यदि कैरियर कारोबार नौकरी में परेशानी है, हर रविवार को श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला में दान दीजिए या अपने प्रतिष्ठा बार उतार कर गाय को खिला दीजिए, तत्काल नित्य कर्म स्नान उपरांत जल गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी रोली, गुलाब के पत्ते, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा, सारी कष्ट देकर परेशानी का निवारण होगा। अगला कदम सितारों की ओर, और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए बात करूंगा बुधवार की राशि पर भी, सबसे पहले मेष राशि, और क्योंकि कर्क राशि में आज चंद्रमा गोचर में भ्रमण कर रहा है, मेष राशि वालों के लिए चौथा चंद्रमा, और चौथा चंद्रमा अनुकूलता का संकेत नहीं है, सितारों की चाल प्रतिकूल है, मेष राशि वालों सितारे के संकेत की चोट और दुर्घटना का भय, संपूर्ण प्रयासों के बावजूद कार्यों की प्रति निराशाजनक समाचार मन को परेशानी प्रदान पैदा करते हैं, मन बड़ा व्यथित है, मन अनुकूल कार्य नहीं बनने की वजह से तनाव रहेगा, धन का अपव्यय है, कानूनी मुद्दों को लेकर परेशानी है और लंबी यात्राओं में नुकसान की प्रबल संभावना है, सुबह से शाम की पूछ इसी तरह का संकेत डरे नहीं, ये संकेत है छोटा सा उपाय, साबुत मसूर श्रद्धा अनुसार आज गरीब निर्धन सफाई कर्मचारी महिला को दान में दे दीजिएगा, कष्ट कम है, क्या करें बुजुर्गों की आज्ञाओं का पालन, क्या न करें अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता न करें, न बात करते हैं तो वृषभ राशि, वृषभ राशि और उस समय उत्तम सितारों का शुभ संकेत,
बहुत से संकेत दे रहा है कि मुस्कुरात रहे, सफलता मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और स्वजनों के सहयोग से सफलता में चार चांद है। आज अपनों का सहयोग सफलता में बड़ा साहित है, सूझबूझ और परिश्रम से कार्य किया प्रत्येक योजना आपकी सफल होगी। व्यवसाय में वृद्धि के मनोअनुकूल अवसर, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और कार्य क्षमता का विकास होगा, दिन अच्छा बीत जाएगा। क्या कर इच्छित कार्य को पूरा कर, क्या न करें धन और समय का दुरुपयोग न करें। बात करते हैं मिथुन राशि वालों, गोचरीय संकेत है कि आज परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा और परिवार का समन्वय बना रहेगा, परिवार के साथ विचार विमर्श करके समस्याओं का निवारण निकला और पैतृक संपत्ति के मसले में क्या करें शांत और स्थिर मन से कार्य, क्या न करें भूमि भवन और वाहन के कार्य में आज पूंजी निवेश न करें। मैं इस विषय मिथुन की बात करी कनक सिंह कन्या की बात करूं उससे पहले बुधवार का राहुकाल और बुधवार का राहुकाल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक और राहुकाल का शुभ कार्य करना स्वतः करना पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, सलाह मेरी और मर्जी। बात करते हैं आज की यात्रा की, आज उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगल में है। मेरा कहना है कि समय और साधनों में परिवर्तन ना हो, आप किसी भी दिशा में आज यात्रा करें। आज के दिन गणपति के सिर में गाय के घी का दीपक जले, साबुत धनिया चबा तो यात्रा पर जाए, यात्रा में कष्ट कमाए न। बात करते हैं क्या समय उत्तम सितारों का शुभ संकेत, भाग्य आपके पक्ष में कमट लेगा, बिगड़े हुए कार्य बनते हुए नजर आएंगे, सहकर्मियों का सहयोग बड़ा मनोअनुकूल रहे, आजीविका के क्षेत्र में अनुकूलता आएगी, सरकारी क्षेत्र में सभी कार्य संपन्न होंगे, मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मन प्रसन्न रहेगा, काम भी बढ़ेगा। नमन क्या करें पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे, क्या न करें ऋण आदि का लेन देन न करें। सिंह राशि वालों, आज गोचर सावधानी का संकेत है, आपका काम करने का तरीका, आपकी सहजता, आपका सेवा भाव होने के बावजूद भी लोग आज आपका दुरुपयोग कर सकते, आपको परेशानी पैदा कर सकते, बिना वजह शत्रु परेशान कर सकता, आपकी टांग खिंचाई हो सकती, मन में उद्विग्नता के कारण कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। क्या करें विचार भी आवश्यक कार्य को पहले पूरा, क्या न करें साझेदारी के कार्य में मन काम न करें। नमन में बात करते हैं कन्या राशि, कन्या राशि वालों ग्रह गोचर शुभ सितारों का शुभ संकेत, संपूर्ण ग्रह गोचर शुभ फल, आर्थिक कठिनाई और परेशानियों से राहत मिलेगी, स्वजनों की सहायता से कार्य क्षेत्र में सुधार होगा, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में यश की प्राप्ति होगी और दिन अच्छा। नमन क्या करें कार्य के प्रति ईमानदार बने, क्या न करें भूमि और वाहन संबंधी कार्य आज न करें। कारक सिंह कन्या की बात करें, तुला वृक्ष की धनु की बात करूं उससे पहले आज की वास्तु सुना, आज वास्तु घर के ठीक सामने कोई पेड़ है, पानी की टंकी है या नलकूप है, ऐसी चीजों की वजह से घर में सकारात्मक शक्तियों के आगमन में परेशान हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर से बाहर निकलते किसी भी प्रकार का खड्डा हो यदि अशुभ संकेत देगा, इसको तुरंत ठीक करके सुधार कर लेना चाहिए, इससे आपके लिए अच्छा रहेगा। नमन बात करते आज के सुधार, आज बुधवार का दिन है, संपूर्ण मन अनुकूल सफलता और परेशानियों के निवारण के 12 से 12 राशि के लोग उत्तर पूर्व काना में नित्य क्रम में स्नान और चांदी के दीप में शुद्ध घी भरकर अखंड ज्योत जलाई और ज्योत प्रज्वलित करने के बाद एक इलायची को अपने सात बार उतार उसमें डाल दीजिए और देखिएगा दिन का मना कर बात करते हैं। तुला राशि, तुला राशि ग्रह गोचर की स्थिति उत्तम, सितारे पूर्ण सफलता का संकेत दे रहे हैं, अनावश्यक बाधाओं की समाप्ति हो, शुभ कार्य बनेंगे, सफलताएं मिलेगी, अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और दिन अच्छा भी। क्या करें कार्य क्षेत्र पर थोड़ी सी अपनी नजर आए, क्या न करें अपना कार्यभार दूसरों पर न डालें। बात करते हैं वृश्चिक राशि, गोचर ये कह रहे धन मिलेगा, अध्यात्म सानिध्य प्राप्त होगा, परिवार का सुख मिलेगा, पारिवारिक लोगों का साथ भी मिलेगा और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति,
सपूर्ण यानी कुछ सफलता का पूर्ण शक्य दे रहे, बस थोड़ा सा क्रोध नहीं, थोड़ा सा जिद से बच के रहना। यदि जिद है तो बहुत जरूरी थोड़ा सा स्वाद कम रखना, जैसे कार्य क्षेत्र में कर्मचारी से तालमेल बना करके लाभ अच्छा मिले, स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, लिखित रूप से कोई समझौता करते समय विशेष सावधानी बरतनी न पड़े। क्या करें, बुजुर्गों की सलाह से करें, क्या न करें, ऋण आदि का लेन देन न करें। बात करते हैं धनुराशि, धनराशनों सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत दे रही है। नक्षत्र गणना करेगा सुख के साधन के उपभोग में बाधा उत्पन्न हो, धन हानि है, अपनी योजना और कार्य के प्रति गोपनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, व्यादि सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, संतान को साथ रखें, पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर कार्य करेंगे अच्छा रहेगा। सुबह से किसान से गोचर इसी पर सावधानी अपेक्षित, छोटा सा उपाय पका हुआ पकड़। आज के लिए गरीब निवेदन, स्वागत स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट देना। क्या करें, सहकर्मी को विश्वास में लेकर कार्य, क्या न करें, बहुत जरूरी है दूसरों को अपने कार्य में दखलंदाजी न करने दें। तुला आवर्षिक धनु की बात करें, मकर कुंभ मीन की बात करें, उससे पहले आज का उपाय, आज यदि लाख प्रयासों के बावजूद भी धन का अपव्यय नहीं रुक रहा, घर में बरकत नहीं हो रही, कारोबार में बचत नहीं हो रही, कारोबार में हमेशा हानि होती, व्यवसाय में अनावश्यक रूप से वाद विवाद कोर्ट कचहरी और दुर्घटना में धन का अपव्यय होता है, तो रेश में दाल वस्त्र लीजिए, 100 किलो साबुत मसूर, 100 किलो गुड़ अलग अलग बांध कर अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी सफाई कर्मचारी विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा, सारी समस्याओं का निवारण मिल जाएगा। नमनायन और बात करते हैं नमस्कार। यदि मोटापा है, रोज रात में सोते समय भुनी सौंफ खाकर ऊपर से 1 गिलास पानी पीजिए, अब आप करके देखिए अंदर की कमजोरी दूर हो जाएगी और शरीर का वजन भी बैलेंस हो जाएगा, यह बहुत अद्भुत नमस्कार। बात करते हैं मकर राशि, मकर राशि वालों गणनाओं की बात कर रहा हूं, गणनाएं पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत, समय शुभ है, अनुकूल है, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, उत्साहवर्धक समाचार प्राप्त होंगे, मित्र और हितैषी आपके पक्ष में खड़े रहेंगे और मित्र और हितैषियों की सहयोग की प्राप्ति से मन प्रसन्नचित रहेगा, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, धन की कमी दूर होगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नमन है, क्या करें, कार्य संबंधी गोपनीयता बना के रखें, क्या ना करें, अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता न करें। बात करते हैं कुंभ राशि, कुंभ राशि गणनाओं की बात करता और सितारे आपके पक्ष में करवट ले, शुभ सितारों का मनो अनुकूल संकेत, स्वास्थ्य उत्तम और दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, क्या करें, स्वजनों से मेल जोल बढ़ाए, क्या ना करें, अनावश्यक लंबी कारोबारी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर ना करें तो बड़ा अच्छा रहे। और बात करते हैं मीन राशि, मीन राशि वालों गणनाओं की बात करें, सितारों की बात करें और सितारे आपके पक्ष में, धन मिलेगा, धर्म में रुचि बढ़ेगी, संतान संबंधी समस्या से राहत मिलेगी, पारिवारिक सहयोग और दाम्पत्य संबंधों में सुधार होगा, क्या करें, स्वप्रयास से कार्य सिद्ध, क्या न करें, अत्यधिक साहस का प्रदर्शन न करें। ये था 12 के 12 राशि पर राशिफल जो गणनाफल पर आधारित था, उन्हें मेरा निवेदन, मेरे विचार है, लादने का स्वभाव मेरा कभी नहीं रहता, सेकेंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूं, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बिंद अद्भुत तीर्थ स्थान है, देवादी देव शनि, आप सभी का स्वागत है इस तीर्थ, करी शनि भगवान के दर्शन कि आपके कष्ट मिटे, आपकी परेशानी का निवारण हो, कुछ छूट जाता आपका तो गुरु मंत्र विद दाती महाराज यूट्यूब पे, ये मेरा चैनल है गुरु मंत्र विद दाती महाराज, आप दाती महाराज करेंगे DAAT करेंगे, इतने में यूट्यूब पे मेरा चैनल आ जाएगा, उसे सब्सक्राइब करिए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और बेल की घंटी जरूर बजाना जिससे कि आपको मेरा नया वीडियो मिल जाए। मेरी फेसबुक है शनि शत्रु नहीं मित्र, श्री शनिधाम, इस पर भी आप जा सकते हैं, मेरी वेबसाइट है www.shanidham.in जिस पर सब कुछ आपको मिलेगा, प्रयास करता हूँ कहीं आपको काम आ जाओ, बस यही मेरा शौक है, यही मेरी पूजा है, आदान सा व्यक्ति हूँ, हर गलती के लिए हमेशा हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ क्योंकि राष्ट्र सेवा सर्वोपरि और यही प्रयास, संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी कार्य में सफलता नहीं मिली, कार्य में अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, अनावश्यक रूप से विघ्न और परेशानियां मन को व्यथित कर रही,
शिक्षा में विघ्न है, नौकरी में विघ्न है, परिवार में विघ्न है, व्यवसाय में विघ्न है, राजनीति में विघ्न, जा देखो विघ्न 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 सब जगह विघ्न और बाधा है। क्या करेंगे? भगवान गणपति की आराधना चंपों उनका संस्कृत कर ये उपाय बुधवार को प्रारंभ करें और लगातार 40 बुधवार तक प्रत्येक बुधवार नित्य के अंदर स्नान उपरांत अपने पूजा घर में गणपति के शिव विग्रह के सामने हरा वस्त्र बिछा दे, सात चट्टा वाला नारे, सात बदाम अपने ऊपर सात बार उतार कर शुद्ध वस्त्र पर शिव विग्रह के सामने रखिए। सदा में पंच विचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। ओम एक दंताय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप पूजा के उपरांत इस समस्त पूजन सामग्री किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दे दीजिएगा, सारे कष्ट मिटेंगे। नमः बुधवार का जीवन इस दुनिया में सकुन से जीने का एक ही सूत्र है, सम्मान से जीने का एक ही सूत्र है। और सम्मान के साथ जीने के लिए सबसे बड़ा तरीका यह हम वे बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। जीवन खुश से भरा रहेगा। नमन अब समय है प्रभु के दर्शनों का, दर्शनों में स्थिति जाती था नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तं नमामि शनैश्चरम। नीलांजन नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करो, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के शिक्षण में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही, कल्पना करो मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन को उपहार गुरुवार का राशि पर भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे मनाए, पूजा और मंत्र जीवन मंत्र सुझाव जैसे उसके उपाय वास्तु सलाह लेगा लेता हूँ। लेकिन आज अपनी गलती अपने गुणान अपनी गुरु की माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा। नमो नारायण, नमो नारायण।